बेंटन क्लासिक और बेंटन ओमनिवर्स के बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस को मैं पहले ही अपनी पिछली वीडियोस में रैंक कर चुका हूँ, तो अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखी है तो बाद में आई बटन से देख लेना। और हाँ, एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज के ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर भी मैं आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं टॉप 15 बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ बेंटन मूवीज। मतलब कि आज की वीडियो में हम बेंटन की मूवीज में दिखाए गए सभी ट्रांसफॉर्मेशंस को रैंक करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में मैंने बेंटन सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स मूवी के ट्रांसफॉर्मेशंस को नहीं लिया, क्योंकि उस मूवी का आर्ट स्टाइल बिल्कुल क्लासिक सीरीज जैसा है, इसलिए उसके ट्रांसफॉर्मेशंस को रैंक करके कोई मतलब नहीं बनता। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पिछली वीडियो का लाइक एम पूरा करा दिया, और इसीलिए आज की वीडियो का लाइक एम बढ़कर हो चुका है 150 लाइक्स, और कमेंट्स का एम है 50 कमेंट्स। अरे वाह, आज तो टकले ने टोका ही नहीं बीच में, चलो अच्छी बात है। तो फटाफट से लाइक्स करा देना, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स से चुप, बिल्कुल चुप। अबे टकले तो फिर आ गया, चलो मैं इसको बाद में ही देखता हूँ, लेकिन अभी हम देखते हैं टॉप 15 ट्रांसफॉर्मेशंस। नंबर 15, गू। तो सबसे पहले बेन शॉर्टकट फीचर से गूप को अनलॉक करता है और गूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, और इसलिए ये हमारी लिस्ट में सबसे नीचे है। तो नंबर 14 पे आता है इयोन। तो जिस तरह इयोन ने अपना डीएनए ओमनीट्रिक्स में अनलॉक किया, वो देखने में काफी ज्यादा मजेदार था, और ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छा था। आपको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 13, रैथ। सबसे पहले रैथ का क्लॉ निकलता है, उसके बाद बेन का हाथ, और फिर बेन की पूरी बॉडी ही रैथ की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ओवरऑल देखें तो रैथ का ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे काफी सही लगा। नंबर 12, जर्ज। अब बेन 10,010 मूवी में हमें जर्ज के दो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस दिखाए गए हैं, जिसमें से पहला वाला तो फालतू है, लेकिन दूसरा वाला ठीक ठाक है। सबसे पहले हमें बेन के हाथ पर ये अपग्रेड जैसा कुछ दो बार चढ़ता हुआ दिखाया जाता है, जो कि एक मिस्टेक है, और फिर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और अलग होकर बन जाते हैं जर्ज। और हाँ, बेन 10,010 से याद आया कि मैंने इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आई बटन से बाद में देख लेना, लेकिन पहले ये वाली वीडियो पूरी देख लो। तो नंबर 11 पे आता है स्पाइडर मंकी। तो बेन 10,010 मूवी में दिखाई गई ये स्पाइडर मंकी की ट्रांसफॉर्मेशन तो कॉमेडी थी। पहले तो उसके स्पाइडर मंकी वाले हाथ निकल आए, और फिर वो 2 मिनट रुक के बाद में पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ। तो इसके बाद अब हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आता है ग्रे मैटर। चाहे कुछ भी कहो, लाइव एक्शन का मजा ही अलग है, और भले ही रेस अगेंस्ट टाइम मूवी में दिखाया गया ये ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिनल सीरीज के ट्रांसफॉर्मेशन को मैच नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी पहली नजर में देखने में तो ये काफी ज्यादा कूल है। तो अब ग्रे मैटर के बाद हम चलते हैं हमारे नंबर 9 की तरफ, जो कि है हीट ब्लास्ट। हीट ब्लास्ट के तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। एलियन एक्सटिंक्शन मूवी के अंदर क्लासिक वाले बैन और रिबूट वाले बैन के हीट ब्लास्ट के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस को काफी डिटेलिंग के साथ बनाया गया है, लेकिन मेरा मन पसंद तो बेन 10,000 का हीट ब्लास्ट ही है। आपको इन तीनों में से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन पसंद हो, आप उसे नंबर 9 पर मान लेना। नंबर 8, इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले ये पट्टियां बेन को जकड़ लेती है, और फिर बिग चिल इन पट्टियों को फाड़ के ऐसे बाहर निकलता है, जो कि काफी अमेजिंग है। और सच बताऊं तो मुझे ये एलियन फोर्स वाले से भी ज्यादा बेहतर लगा।
हाँ, ये लाइव एक्शन वाला बिल्कुल ही बकवास था, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। ये तो मेरा ओपिनियन था, और अब तुम अपना ओपिनियन भी कमेंट्स में बता सकते हो। नंबर 7, डायमंड हेड। अब रेस अगेंस्ट टाइम मूवी का ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिनल वाले से काफी वीक है, लेकिन क्योंकि एक लाइव एक्शन मूवी थी और इस पर ज्यादा खर्चा नहीं किया गया था, इसलिए इस मूवी का CGI उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का ये मूवी डिजर्व करती थी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये उस समय के हिसाब से काफी कूल था, और इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लिस्ट में इस पोजीशन को डिजर्व करता है। नंबर 6, ह्यूमंगसोर। इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले बेन ह्यूमंगसोर का होलोग्राम सेट करता है और फिर बाइक से कूदकर उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वैसे तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन ये जो बेन घूम घूम कर ह्यूमंगसोर में ट्रांसफॉर्म होता है ना, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। और उसके बाद जो इसने दहाड़ लगाई है ना, नंबर 5, स्टिंग फ्लाई। बेंट एंड डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी का ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लासिक सीरीज में दिखाए गए स्टिंग फ्लाई के ट्रांसफॉर्मेशन जैसा ही है, बस यहाँ पर फर्क इतना है कि वो 2D में था और ये CGI में है, और यही चीज इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्पेशल बनाती है, और साउंड इफेक्ट्स भी अच्छे खासे थे। नंबर 4, अपग्रेड। अब इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुझे क्लासिक जैसा लगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये मुझे क्लासिक वाले से भी ज्यादा बेहतर लगा। ओमनीट्रिक्स से निकला हुआ वो सर्किट पैटर्न जैसे ही बेन की आंख तक जाता है, और इसके बाद तो इसका CGI और एनिमेशन तो बढ़िया है ही। नंबर 3, वे बिग। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने से पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि रिबूट के अंदर हमें वेबिक का इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस दिखाया जा सकता है। सबसे पहले बेन की बॉडी वेबिक की बॉडी में तब्दील हो जाती है, और उसके बाद उसके हाथों से ब्लेड्स और उसके सर से फिन निकलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी जबरदस्त है। तो ये थी नंबर 3 की बात, लेकिन अब हम चलते हैं अपने नंबर 2 की तरफ। नंबर 2, नैनोमैक। ये एलियन स्वॉर्म मूवी का मुझे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, जिसमें पहले तो बेन छोटा हो जाता है लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं होता, और फिर थोड़ी देर बाद उस पर एक आर्मर सा चढ़ने लगता है, जिसको देखकर मुझे आयरन मैन की याद आती है। ये लाइव एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन और ये लाइव एक्शन में दिखाया गया नैनोमैक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन नंबर 1 पर तो कोई और ही है। इस कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन को नंबर 1 पर रखने का मेरा सबसे बड़ा रीजन यही है कि बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन मूवी के अंदर हमें सभी पुराने बेंस देखने को मिले, और उनका ये एपिक ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट भी देखने को मिला, जिसमें हमें एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला ब्लॉक्स, हीट ब्लास्ट, रिपजॉज, क्रोमास्टोन और एम्फीबियन का, और इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पर रखा। तो अब अगर आपको ये रैंकिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और मस्त मस्त वीडियोस देखने के लिए। और जल्दी से हमें 2K सब्सक्राइबर्स पर पहुंचना है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना। मेरी बेन 10 क्लासिक वाले ट्रांसफॉर्मेशन और ओमनीवर्स वाले ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन से देख लो, या फिर राइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके भी देख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें बेन 10 या बेन 10,010 मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी हिंदी में, तो लेफ्ट वाले बॉक्स पर क्लिक कर सकते हो। और बाकी तो बेन 10 फैंस के लिए चैनल पे और भी कई सारी वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।